हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स फॉर विच एग्जाम इज कंडक्टेड। सवाल ये आता है कि सीएसआईआर जो हो रहा है वो सीएसआईआर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होता है ना। कई लोगों के पता नहीं होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उनके बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको देना चाहता हूं मैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसके ऊपर चर्चा किया जाए। तो केमिकल साइंस हो सकता है। केमिकल साइंस इज द फील्ड जिसमें कि केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री से जुड़े हुए जो इतने भी केमिकल साइंसेज से स्टूडेंट्स है अपियर हो सकते हैं। अर्थ साइंस अनदर फील्ड जहां पे अर्थ साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो है अपियर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और साइंस आता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंसेस, जिसके बारे में मैं पढ़ाता रहता हूँ। लाइफ साइंस अगर पढ़ना है तो मैं वीरेंद्र सिंह पढ़ाता हूँ, कई प्लेटफॉर्म्स पे आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो मैथमेटिकल साइंस भी एक कैटेगरी आती है जो कि सीएसआईआर इसमें भी एग्जाम लेता है। और द लास्ट कैटेगरी जो सीएसआईआर एग्जाम कंडक्ट करता है वो है फिजिकल साइंस। तो याद रखे रहे मित्रों, ठीक है, कि ये कुछ कैटेगरीज है: केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस, जिनमें जो है सीएसआईआर एग्जाम कंडक्ट करता है। आप इस कैटेगरीज में अगर किसी भी कैटेगरीज के स्टूडेंट है तो उस कैटेगरी में सीएसआईआर का एग्जाम दे सकते हैं। सीएसआईआर बाई एनुअली मतलब एक साल में दो बार एग्जाम लेता है। साइकिल जो है थोड़ी सी जो है इररेगुलर हो गई थी ड्यू टू द पैंडेमिक, बट होपफुली या आशा करते हैं कि वो जल्द ही जो है अपने पुराने साइकिल में आ जाएगा। तो हर साल जनवरी, जून और दिसंबर में एग्जामिनेशन होते हैं। अगर साइकिल सही रही तो इसी तरीके से अब आगे भी एग्जामिनेशन होंगे और आप इनमें से जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उससे जो है उन एग्जामिनेशन को फिल करें, चाहे लाइफ साइंस हो, मैथमेटिकल हो, फिजिकल हो, और एग्जाम्स को दें और कॉन्फिडेंटली क्लियर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।